हे फोक्स, वेलकम बैक टू मेटा चैनल। तो आज की इस वीडियो में दोबारा सीखने जा रहे हैं माइनक्राफ्ट। एस गाइस, तो अगर आपने पिछले एपिसोड देखा हो तो आपको पता होगा कि पिछले एपिसोड में मैंने यहाँ पर अपने वर्ल्ड में एक बढ़िया सा फाउंटेन बना था, जो कि आप मेरे पीछे देख ही सकते हो। यस, ये देखो ये वाला और ये बिल्कुल ही अपने लग्जरी घर के सामने मैंने बना था। और सच में यार क्रेजी सीन हो चुका है, ये बहुत ज्यादा बढ़िया लग रहा है। बाकी आप भी जरूर बताना कॉमेंट्स में अगर बढ़िया लग रहा है। वैसे ये कुछ मैंने कलाकारी भी कर दी थी इसके बाहर, वो मैं अभी आपको दिखाता हूँ। ओके, एक बार नीचे चलता है। यस, तो ये जो नीचे आप देख रहे हो ना, ऐसा कुछ रेंडमली ब्लॉक्स ऐसे लगे पड़े हैं और ये ड्रिप लीव वगैरह ये सब कुछ, तो ये मैंने बाद में किया था। तो ये डिजाइन मेरे दिमाग में आया था कि कुछ ऐसा सा मैं रेंडमली कर देता हूँ तो काफी ज्यादा बढ़िया लग रहा है। तो यस, ये तो ये अपने जो वर्ल्ड है उसको और भी ज्यादा बढ़िया ऐसे, मतलब वर्ल्ड तो ऑलरेडी ब्यूटीफुल है ही, लेकिन इसकी वजह से और भी ज्यादा तगड़ा हो चुका है। लेकिन आज की इस वीडियो में काफी ज्यादा मजा आने वाला, तो क्योंकि आज की इस वीडियो में मैं ट्राई करने वाला हूँ कुछ बढ़िया से बिल्ड हैक्स। यस, अगर आपने इसके तरफ देख लिया तो मैं बताता हूँ कि क्या है। तो यस यार, मतलब जो नया अपडेट आया ना उसमें ये एक पॉट आया, ये बड़े वाला है। पहले तो एक छोटे वाला था जिसमें कि फ्लावर होता है, लाइक बड़े वाला ये पॉट आया और इसी से ही हम काफी ज्यादा ऐसे बिल्ड हैक्स बना सकते हैं। तो आज मैं शायद से 3-4 ट्राई करने की कोशिश करेंगे, बट उसमें 2-3 तो यार यही है, मतलब इसी तरह के, पहला तो यही है, बाकी के 3-4 जो रह गए हैं वो भी मैं आपको दिखाऊंगा 1 by 1। बटा यहाँ पर ये मतलब सीन क्या है कि ये एक कुछ ऐसा काम वगैरह तो नहीं करता, बस हाँ ये दिखने में ऐसा कुछ बढ़िया लगता है, तो इसकी इस चीज की वजह से ये एक बिल्ड हैक है। यहाँ पर एक मैंने वॉल लगाई है जो कि स्टोन ब्रिक्स के, और इसके ऊपर मैंने एक बैम्बू का फेंस लगाई है, उसके ऊपर जो एक बैरल है, और यहाँ पर एक लीवर, और ये है पॉट, और यही मेन है क्योंकि इसी से एक ऐसा इफेक्ट बन रहा है कि यहाँ पर इस टैप से पानी गिर रहा है। ये टैप नहीं है, ये लीवर है, बटा एक ऐसा इफेक्ट बना है तो ये काफी ज्यादा से बढ़िया लगता है। जैसे अभी फाउंटेन इसके साइड में से होगा तो ये काफी ज्यादा बढ़िया लगता है। तो यही ऐसे कुछ हैक्स मैं आज ट्राई करने वाला हूँ जो कि देखने में काफी ज्यादा बढ़िया लगेंगे अपने वर्ल्ड में। तो ऐसी ये तो एक आपने देखी है पहला, और दूसरा जो है मैं इसी की तरह वाला ही बनाने वाला हूँ, बटा इससे थोड़ा सा नहीं काफी ज्यादा अलग होगा और वो थोड़ा बड़ा भी होगा। तो अभी हाँ एक सेकंड, तो उसको बनाने के लिए सामान जो मैंने ऑलरेडी ले लिया था मैं भूल गया, बट ये अपने पास कुछ सामान है। तो सबसे पहले ये मैंने ले लिया ब्लॉक ऑफ स्ट्रिप्ड बैम्बू, तो यहाँ पर पहले मैं एक ब्लॉक लगाता हूँ, उसके बाद इसे कुछ ऐसे कर देते हैं, और ये जो है ना ये वाला मैं तोड़ देता हूँ क्योंकि यहाँ पर मैं लगाने वाला हूँ ये फेंस बैम्बू की, और इसे थोड़ा सा अभी के लिए थोड़ा सा ऊपर कर देते हैं। बट अभी नेक्स्ट पहले थोड़ा सा ट्रैपडोर का काम जो खत्म कर देते हैं, यहाँ पर मुझे जो ट्रैपडोर लगानी है, और यहाँ पर भी, और यहाँ पर भी, उसके बाद यहाँ पर पूरी जगह पर ट्रैपडोर लग जाएंगे, और यहाँ पर एक थोड़ा सा बढ़िया दिखने के लिए एक ये लगा देते हैं साइन बोर्ड। अभी नेक्स्ट बस मुझे थोड़ा सा यहाँ पर ऊपर चढ़ना है, और ये जो फेंस है इससे थोड़ा सा यहाँ पर ऐसे ऊपर लेकर आना है। ओके, कुछ इतना ठीक है, और इसके ऊपर जो है मैं एक ट्रैपडोर लगा देता हूँ इसके साथ भी, और इसे थोड़ा सा आगे कर देते हैं एक के, यहाँ एक ट्रैपडोर जो है यहाँ पर लगेगा, इसे तोड़ देते हैं, और इसके बाद एक दो यहाँ पर लगेंगे। यस, अभी जल्दी से चलते हैं नीचे क्योंकि अभी जो है काम हो चुका है। अभी नेक्स्ट मुझे यहाँ पर ब्लू स्टेन्ड ग्लास पेन्स लगाने जो कि मेरे पास पड़े अंदर मैं लेकर आता हूँ, और पॉट भी लगाना है, तो पॉट भी लेकर आता है जल्दी से। ऑलराइट, तो यहाँ पर मैं पॉट लेकर आ चुका, और यहाँ पर मैंने इसे रख दिया। अभी नेक्स्ट बस मुझे यहाँ पर वही इफेक्ट देना है, और ये जो बिल्ड हैक है वो कंप्लीट हो जाएगा। आप देख सकते हो सामने काफी ज्यादा बढ़िया लग रहा है देखने में, कि ऐसे यहाँ पर से नीचे धरती में से पानी जा रहा है जो कि पाइप्स की मदद से, बैम्बू के पाइप्स की मदद से यहाँ पर इन पॉट में भरा। और हाँ, मतलब पॉट का ऐसे मेन ज्यादा काम तो वही होता है कि यहाँ पर पानी भरता है ना, बट हाँ यहाँ पर एक चीज और है कि यहाँ पर इस पॉट में हम कुछ सामान जो स्टोर भी कर सकते हैं। ये देखो मैंने सारे के सारे ग्लास पेन जो इसमें डाल दिए हैं, अभी बस मुझे सिल्क टच वाले से तोड़ने और जितने भी ग्लास पेन है वो मुझे वापस मिल जाएंगे। तो कुछ ऐसा भी ऐसे सीक्रेटली सामान रखने के लिए भी हम इसे यूज कर सकते हैं। ऑल राइट गाइस, तो यार नेक्स्ट जो बिल्ड होने वाला है वो भी ऐसा ही होगा, मतलब हाँ यार ये मुझे बढ़िया लगा तो इसके ही मैंने 2-3 बिल्ड जो है ट्राई करने का सोचा था। तो यस, लेकिन हाँ वो इससे अलग और थोड़ा बड़ा होगा, मतलब इससे भी बड़ा, पहले बिल्कुल छोटा उससे बड़ा, और उसके उससे भी ज्यादा बड़ा। तो वो मैंने सोचा था कि मैं यहाँ पर बनाऊंगा क्योंकि ये जो एरिया ना खाली पड़ा है। तो सबसे पहले यहाँ पर मुझे लेने स्टेयर्स, तो स्टेयर्स 1, 2, 3 और ये 4। ओके, बीच में मुझे बस एक रखना है, तो अगर
मैं कुछ ऐसे कर दूंगा। तो ये देखो, ये एक सेंटर में आ चुका है। अभी बस मुझे इसे ऐसे करना है, उसके बाद 1 2 3 और ये फोर्थ को ऐसे करना है, और ये एक सेकंड, ये गलत लग गया, और ये 1 2 3 और ये फोर्थ को कुछ ऐसे करना है, 1 2 3 और ये ज्वाइन कर दिया। ओके, ये अभी हो चुका है, ये एक बढ़िया सा बन चुका है। अभी इसके अंदर मुझे पहले तो लगाना है ये, तो ये कुछ ऐसे लगेंगे, ब्रिक्स है ये। ओके, पीस के ऊपर जो है मैं ये लगाने वाला हूँ कि ये फेंस, और उसके बाद यहाँ पर एक सेकंड, बिल्डिंग ब्लॉक्स भी तो चाहिए, सॉरी, ऊपर चढ़ने के लिए, यस। तो इसके ऊपर जो है बैरल लगाने वाला हूँ मैं, बटन एक फेंस और उसके ऊपर बैरल, यस। के बैरल के ऊपर एक लैंटर्न भी लगा ही देते हैं। ऑलराइट, तो नेक्स्ट जो चीज है, पहले तो मैं ट्रैप डोर ही लगाने वाला हूँ यहाँ पर, पूरा यहाँ पर ट्रैप डोर लगा देते हैं ताकि ये दिखने में भी बढ़िया लगे, वैसे दिखने के लिए ही बना रहा हूँ मैं। ऑलराइट, तो यहाँ पर ट्रैप डोर भी मैंने लगा दिया, और हाँ, इसके अंदर भी मैंने फेंस लगा दिया चारों तरफ। और हाँ, ये जो बीच वाला था मैंने इसको बैम्बू वाले से रिप्लेस कर दिया, तो मैं ये भी ले आया था, मेरे पास पहले था नहीं। अभी नेक्स्ट जो चीज है कि पहले मैं लीवर लगा देता हूँ यहाँ पर, शायद से अभी आपको थोड़ा सा आइडिया हो गया होगा कि मैं क्या बना रहा हूँ। ओके, यस, अभी ठीक है, अभी इसे जो है नीचे को कर देते, और यहाँ पर मुझे चाहिए अभी के लिए पानी। ओके, यहाँ पर इनफाइनाइट वाटर सोर्स बनाना होगा मुझे, वैसे मतलब इसमें रियल वाटर का भी रोल जो है एक तरह से होने वाला है, लेकिन जो ये रियल वाला पानी है वो डलेगा बस इन स्टेयर्स के ऊपर, ताकि यहाँ पर एक बढ़िया सा से इफेक्ट आ जाए। ओके, पूरे में मुझे जल्दी से पानी डालना है और इसे जल्दी से कम्प्लीट करते हैं, क्योंकि इसमें और कुछ नहीं है यार। ये काफी ज्यादा इजी और मतलब बहुत ज्यादा इजी वाले बिल्ड्स हैं कि मतलब एक मिनट भी नहीं लगता इनको बनाने में, अगर आपके पास सामान हो, वरना अगर सामान नहीं है तो दिक्कत होने वाली, क्योंकि मेरे पास भी यार यहाँ पर बैम्बू नहीं था। मैं काफी ज्यादा दूर गया, बैम्बू बायोम ढूंढा, मतलब जंगल वाला, और वहां से मैं बैम्बू लेकर, और ये देखो ये तो फुल उगा रखे हैं मैंने यहाँ पर। ये अभी नेक्स्ट जो मैं पॉट रखने हैं यहाँ पर, तो ओके, एक यहाँ पर और ये यहाँ पर और ये यहाँ पर, और अभी बस एक लास्ट स्टेप जो किया है ये वाला ग्लास। ओके, इसको ओके, ये गलत लग गया, अभी एक सेकेंड, ओके बच गया। यहाँ पर सिल्क टेस्ट से मुझे इसे तोड़ना होगा, इसे लगा देते हैं वापस यहीं पर। ऑलराइट गाइस, तो फाइनली यहाँ पर अपना जो भी ये बिल्ड है वो पूरा का पूरा कंप्लीट हो चुका है। बहुत ही ज्यादा इजी था ये, बट दिखने में काफी बढ़िया लग रहा है। अगर आपको भी बढ़िया लग रहा है तो जल्दी से जाओ और वीडियो को लाइक मार दो जोर से। और नेक्स्ट जो बिल्ड बनाने वाला हूं वो इससे डिफरेंट होने वाला है। यस, ये तीन ही थे मेरे पास जो कि मुझे पता थे, बट नेक्स्ट जो है थोड़ा सा यहाँ पर अलग हुआ, जिसको जो कि है कि एक बारबेक्यू, यस मतलब एक बारबेक्यू होता है ना, वो काफी ज्यादा ऐसे बड़े लगता है, हम रियल लाइफ में भी होता है वो, बट आज हम उसे माइनक्राफ्ट में बनाने वाले हैं। तो उसको बनाने के लिए जितना भी सामान लगने वाला मैं वो जल्दी से लेकर आता हूँ, इकट्ठा करता हूँ और जल्दी से आपसे मिलते हैं। तो गाइस यार, फाइनली यहाँ पर बारबेक्यू बनाने का सारा सामान जो है मैं लेकर आ चुका हूँ, तो मुझे लगता है यही बढ़िया जगह है, तो यहीं पर ही बना लेते हैं। ओके, तो सबसे पहले तो यहाँ पर दो ब्लॉक्स मैंने डिक कर दिए, इसके अंदर डाल दिया मैंने कैंप फायर, और इसके ऊपर जो है आने वाला दो लूम्स। ओके, तो लूम्स इसलिए क्योंकि आप देख ही सकते हो इसके अंदर एक अलग ही ऐसा वेव वाला पैटर्न है जो कि होता है, इसलिए वो ये वेव वाली इफेक्ट देता है थोड़ा सा। ओके, नेक्स्ट जो हमें चीज बनानी है कि ओके, तो नेक्स्ट जो चीज लगानी है वो है कि स्टेयर्स, वो भी ब्रिक्स वाली, क्योंकि ये ब्रिक्स वाली ही बढ़िया लगती है। तो उसके ओके, ये मैंने कुछ ऐसे लगा दिया, और इसके बाद कुछ ऐसे लगानी है। ओके, तो ये कुछ ऐसा हो जाएगा। नेक्स्ट जो है यहाँ पर लगने वाली आयरन की ट्रैप डोर, जो कि ये लगने वाले की यहाँ पर और की यहाँ पर। ओके, अभी नेक्स्ट मुझे यहाँ पर आइटम फ्रेम लगानी है कि ये एक यहाँ पर और एक यहाँ पर। उसके बाद ये जो मैनग्रोव वाली ट्रैप डोर है मुझे रखनी है कि यहाँ पर, क्योंकि इसकी थोड़ी शेप ऐसा है ना कि यहाँ पर ऐसा लगता है कि ये कोई ऐसा ढक्कन वगैरह ऐसा टाइप यार कह सकते हो तुम, जो भी है। जब ऐसे किसे खोलेंगे तो जो धुआं निकलने लग जाएगा, इसको बंद करेंगे तो ऐसे बंद हो जाएगा, तो काफी बढ़िया लगता है। अभी नेक्स्ट जो मुझे चीज लगाने की, यहाँ पर ट्रैप डोर लगाने, एक यहाँ पर और एक यहाँ पर। इसके बाद यहाँ पर लगानी है आइटम फ्रेम। ओके, यहाँ पर मैंने लगा दिया कारपेट, कारपेट को थोड़ा सा ऐसे घुमा देते ताकि ये ऐसे ड्रॉर्स लगे कि यहाँ पर ड्रॉर्स बने हुए, एक ऐसे खुलने वाले और एक ऐसे। ओके, अभी मुझे लगता है ये कंप्लीट हो चुका है, इसके अंदर कुछ नहीं रह रहा। ओके, नहीं एक सेकंड, ये वाली स्लैब तो रह ही गई कि इसके ऊपर लगानी, अबे यार एक तो कमी बढ़ गई। ओके, तो मैं बाद में लगा दूंगा, और
हाँ एक चीज और कब पड़ गई कि यहाँ पर मुझे चिकन रखना था क्योंकि मेन जो चिकन ही होता है, अभी के लिए मैं पम्पकिन पा ही रख देता हूँ, ये बढ़िया लग रही। ओके इसको थोड़ा सा ऊपर करते ताकि इफेक्ट वगैरह आते रहे। तो यस फाइनली एक छोटा सा बिल्कुल प्यारा सा बारबेक्यू जो हमने बना दिया है, आपको कैसा लग रहा है बताना मुझे कमेंट्स में। तो गाइस यार फिलहाल आज की इस वीडियो के लिए इतना, आपको कैसी लगी वीडियो मुझे कमेंट्स में जाकर जो बताना। बाकी हाँ थोड़े बहुत बिल्ड एक्स जो मैंने बना लिए, मतलब काफी ज्यादा छोटे छोटे और बिल्कुल ही ईजी वाले थे, लेकिन हाँ मैं और भी तगड़े वाले बना सकता हूँ। बस आप सपोर्ट करना, लाइक भी कर देना, वीडियो को शेयर कर देना, अपने दोस्तों को ये वीडियो जरूर से शेयर कर देना ताकि वो भी हमारे चैनल के साथ जुड़ सके। और हाँ सब्सक्राइब का बटन बिल्कुल मत भूलना यार, प्लीज सपोर्ट करना जितना कर सकते हो, सब्सक्राइब का बटन अभी के अभी दबा दो जोर से। बाकी हम ऐसी वीडियोस लाता रहूंगा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।